वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर टिप्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज हमने कंटिन्यूस को समझना है, हमारा जो टेंस है। तो ये बहुत, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो में बताया कि कंटिन्यूस टेंस में जस्ट अगर किसी चीज़ का फ़र्क आता है दूसरे टेंसेज में, बाकी तो फ़र्क अपनी जगह, लेकिन जो कॉमन चीज़ों से फ़र्क आता है वो आई का फ़र्क ही आएगा। लेट्स सपोज हम वही दोबारा जो है वो एक डायग्राम को सपोज कर लेते हैं। वो जो हम डायग्राम बनाते हैं तमाम टेंसेज में, हमने वही डायग्राम को फॉलो किया। इसमें हमने जो सिंगल थे उनको हमने सेपरेट कर लिया। सिंगल जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं ही शी इट और सिंगल नेम। अब दूसरे नंबर में जब हम प्लूरल यूज करते थे तो प्लूरल्स में हम लोगों ने आई को जो था वो प्लूरल काउंट करते थे, लेकिन इधर हम प्लूरल जो था आई जो था आई को हम एक अलग सेंस में रखेंगे, ये आई, क्योंकि इसका फंक्शन अलग है। इसका फंक्शन अलग है, फंक्शन की वजह से इसको अलग किया गया। अब जो बाकी प्लूरल्स हैं, और ये हो गया सिंगल, अब ये ना सिंगल है ना प्लूरल है, इसका फंक्शन इन सब से हट के होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इधर अगर हम फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हर जगह पे हर टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म अगर हम कर लेते हैं स्लीप, हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आई हमारे पास यहाँ पे स्लीप। अब स्लीप को जो प्लूरल फैमिलीज हैं और जो आई है और प्लूरल मैंने मेंशन ही यहाँ पे किए, तो वो आते हैं कि वुई, आई तो ऊपर चला गया ना, वुई यू दे और प्लूरल नेम, जिसको मैं पी एन यूज करता हूँ। तो अब यहाँ पर जब आ जाएगा स्लीपिंग, अब जो सिंगल फैमिलीज हैं वो कंटिन्यूस टेंस में इसके साथ इस प्लस फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगाएंगे। जैसे कि ये बन जाएगा इज स्लीप था, तो इज स्लीपिंग हो जाएगा, इज स्लीपिंग बन जाएगा, इज स्लीपिंग। अब जो सिंगल फैमिलीज हैं, सिंगल मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी आ जाए, अगर ही आता है तो ही इज स्लीपिंग, शी आता है तो शी इज स्लीपिंग, इट आता है तो इट इज, इट इज को तो हम स्लीपिंग में नहीं कह सकते, पर सिंगल नेम मतलब बॉय इज, बॉय आ जाता है सिंगल नेम, हमने बॉय को फर्ज किया तो फिर बॉय इज स्लीपिंग। सो इट इज सो सिंपल, जो ऊपर वाले हैं फैमिलीज हैं मतलब मेंबर्स हैं ऊपर वाले, वो सब इस प्लस फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी देंगे, इस प्लस फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, मैंने आपके सामने अप्लाई कर दिया। नेगेटिव केस में ये इस जो है वो इज नॉट बन जाएगा, इसके बाद इज नॉट आई एन जी वहीं रहेगा, इज नॉट स्लीपिंग, इज नॉट स्लीपिंग। और इंटरोगेटिव केस में इस जो है वो सिंगल मेंबर्स का वो स्टार्ट पे आ जाएगा, इज बॉय स्लीपिंग। अब कई स्टूडेंट्स कभी कभी यहां पर आई एन जी का खत्म कर देते हैं, कभी वो इसकी जगह आर लगा देते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी, इज बॉय स्लीपिंग एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था, हमने जो हैंडल किया सिंगल फैमिली के मेंबर्स को। अब चलते हैं इसी को लेके हम आगे प्लूरल फैमिली को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब उनकी तरफ अगर फर्स्ट फॉर्म जाए तो प्लूरल फैमिली जो है वो क्या करेगी, तो स्लीप जो है वो आर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी बनेगा, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी बनेगा। चले अब इसको भी देखते हैं, स्लीप जो है वो आर स्लीपिंग, स्लीपिंग बन जाएगा, आर स्लीपिंग बन जाएगा। अच्छा जी, अब आप इनके वन बाय वन मेंबर्स को लेके इधर पुट करते जाएं, हुई आर स्लीपिंग, यू अगर आ रहा है तो यू आर स्लीपिंग, दे अगर आ रहा है तो दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग,
ठीक है। तो इसी तरह जब अगर हम देखें दे आर स्लीपिंग आ गया, अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो ये आर के बाद नॉट लग जाएगा, यू आर नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट स्लीपिंग। तो बहुत इजी हैं टेंसेस, जिनको हमने बहुत मुश्किल बना दिया वो भी इस वजह से कि कुछ हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें टेंसेस का जो है, और जो स्टूडेंट्स बेचारे नहीं इन चीज़ों को कवर कर सकते, तो उनके लिए ये एक मेथड बहुत इजी हमने रखा ताकि वो इजीली सिंगल और प्लूरल के हिसाब से उनको डील कर लें। चलिए अब चलते हैं आई की तरफ। आई का फंक्शन, हमने आई को क्यों अलग किया, तो आई की तरफ जब जाएगा तो आई के केस में एम प्लस फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आएगा, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आएगा। चलें अब इसको देखते हैं कोई, तो आई एम स्लीपिंग। अब आई की फैमिली में और कोई नहीं है, बस ये इस रहा फैमिली में रहा है। इसमें अब यहां पर एक चीज बतानी रह गई थी कि फिक्रे के सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसमें इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बस इसकी निशानी ये याद रखें कि फिक्रे के आखिर में जब रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा हो तो आप उसको समझ जाएं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें आपने सिंगल और प्लूरल जो है उसी हिसाब से बनाने हैं। अच्छा, अब इसमें इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम के बाद जो है वो नॉट आ जाएगा, जैसे दूसरे केसेस में आई एम नॉट स्लीपिंग, दूसरे केसेस में क्या था कि इज और आर के बाद नॉट आ रहा था, इधर एम के बाद नॉट आ रहा था। और इसमें आपने आई एन जी का इजाफा हर सूरत में करना ही करना है। चले हम इनके कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, वो दौड़ रहा है तो वो देखें वो कहाँ पे रहता है, वहां वो सिंगल फैमिली का मेंबर है ही, और जो सिंगल फैमिली है वो क्या देती है इज, तो ही इज दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, तो फिर रनिंग, ही इज रनिंग, तो ही इज रनिंग। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं आई एम, आई आ गया ये आप आई सेंटर में, आई एम, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, और उसके बाद आ जाता है क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, तो तुम कहाँ रह रहा है यू में, तो यू आ गया, यू के लिए उसने कहा था आर आएगा, आर प्लस आई एन जी आएगा, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी यू। अच्छा, अब आर क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए आर यू, आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग। माही गिर मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं, तो माही गिर फिशरमैन फिशरमैन पकड़ रहे हैं, मतलब वो ज्यादा है तो फिर मैन आ गया, तो जब फिशरमैन आएगा तो प्लूरल नेम आ जाएगा, प्लूरल नेम, तो प्लूरल नेम आ रहा है तो वो भी क्योंकि प्लूरल साइड पे रहता है तो इसलिए इसके बाद फिशरमैन। और नॉट कैचिंग फिश, अब ये फिशेस ना कीजिएगा, फिश होगा क्योंकि जितनी भी मछलियां हैं उनको हम फिश ही कहेंगे, ये उन वर्ड्स में आता है जिसको हम जिनके प्लूरल्स काउंट नहीं किए जाते। क्या मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूं, क्या मैं, अब ये आया मैं और मैं रह रहा था सेकंड जगह पर, ठीक है, ये ना सिंगल था ना प्लूरल था, तो इसके लिए एम का इस्तेमाल, एम आई
क्या मैं अपनी गली तलाश रहा हूँ? Am I searching my watch? मैं अपनी गली क्या मैं अपनी गली तलाश कर रहा हूँ? और लास्ट आपने क्वेश्चन मार्क डाल दें और यहाँ पर आपने इधर भी क्वेश्चन मार्क. तो उम्मीद है कि यहाँ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है वो इजीली हमारा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इसका. और जिस किस्म का भी आपको यहाँ पे था, और इनको डिफरेंस हम डिफरेंस अगर इनका बना लें तो हम इजीली इनको समझ सकते हैं. सेंटेंस के आखिर में रहा है, जब भी आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा. और उससे फिर हमने सिंगल प्लूरल और दरमियान में आई को रख के हमने इसको मैच करना है. तो उम्मीद है ये भी लेक्चर आपको समझ आया होगा. तो नेक्स्ट ये हमारा चैनल जो है वो आवा इंग्लिश ग्रामर टिप्स जो है उसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहें जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. हमारी जो कोशिश है वो ये है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू.